हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल के तलम्बर में। तो दोस्तों आज ये देखो, छोटी सी फोटो आप लोगों को मैंने दिखाई है। ये एक टाइल वाले की गलती है जो इस कार्ट्रिज का इस तरह से हाल हो चुका है। तो ये देखो, उसने उसका कवर भी उतार दिया है और कार्ट्रिज को भी बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। तो आज का वीडियो होने वाला है दोस्तों, पूरा कंप्लीट, पूरे कंप्लीट बाथरूम की फिटिंग्स, तो डबल डबल वॉशिंग मशीन, एक किचन का सिंक मिक्सर का भी जो सारा वीडियो ये कंप्लीट होने वाला है। तो दोस्तों, जो मेरे भाई मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को और शेयर भी करो। तो पूरा वीडियो जरूर देखना, वॉच करना, तो बीच में मत छोड़ देना। तो ये कार्ट्रिज का तो आप लोग हाल देख ही चुके, तो अभी हम लोग इसमें नई कार्ट्रिज डालेंगे। तो दोस्तों, आप लोग अभी आज वीडियो देखोगे, इस बाथरूम के अंदर एक वॉश बेसिन यहाँ पर लगेगा और एक वॉश बेसिन दूसरी साइड पर भी। तो एक यहाँ पर काउंटर बन चुका है तो इसका अपर लगा चुके हैं, तो दूसरा इधर एक वॉशिंग मशीन ये वाला यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे एक बड़े वाला वॉशिंग मशीन यहाँ पे लगेगा। तो ये जैक्वार कंपनी का है, वो मिडास कंपनी का है। तो जैक्वार का ही सारा बाथरूम है, कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखो, अब इसके एंगल वगैरह फिट हो चुके हैं, तो यहाँ पे इसकी वेस्ट पाइप लगेगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना पूरा, क्योंकि पूरा ये बाथरूम बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। तो इसकी काफ़ी खूबसूरत फिटिंग होने वाली है, तो आप लोग वीडियो के साथ पूरा जरूर बने रहना अंत तक। तो बहुत कुछ इस बाथरूम में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, आप लोग देखो पूरा एंजॉय करो। जिसको इंटरेस्ट है प्लम्बिंग का काम देखने में, तो ये वीडियो वो पूरा देखेगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ जरूर देखने को सीखने को मिलेगा। जो मेरे प्लम्बर भाई हैं या उनको ज़्यादा नॉलेज है, तो वो भी हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो, अभी हम लोग कार्ट्रिज ले आए हैं नई, तो यहाँ पर नई कार्ट्रिज मोकी प्लस से इसको कस रहे हैं। तोता प्लस, मंकी प्लस, अलग अलग सिटी में इसको अलग अलग बोला जाता है। हम लोग इसको प्लस भी बोल देते हैं, मंकी प्लस भी बोल देते हैं और एडजस्टमेंट प्लस भी बोल देते हैं। तो इस कॉटर्स को अभी अच्छी तरह से इस पर बिठा देते हैं, बिठा के अभी डिवाइडर का अपर भी लगाएंगे, तो आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों कैसे अपर फिट होता है, कैसे ही इस कॉटर्स को टाइट कर रहे हैं। तो इसका पूरा वीडियो कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखना, थोड़ा वीडियो लंबा है, तो इसको अच्छी तरह से इस बाथरूम को चला के भी दिखाएंगे आप लोगों को। ये देखो, कार्ट्रिज अच्छी तरह से यहाँ पे बैठ चुकी है। तो ये देखो, ऊपर से हम लोगों ने टाइलों की कटिंग बाद में की है, क्योंकि उसने कटिंग कम करने की वजह से इसको नीचे दबा दिया था, या दब गई, कैसे भी हो गया, कार्ट्रिज टूट गई। तो अभी इसकी ग्लासी लगा रहे हैं ऊपर की, तो ये पूरा डिवाइडर अपर है दोस्तों, जैक्वार कंपनी का है। तो ये अभी इस तरह से ग्लासी को बैठा दिए और इसका नट लगाएंगे, फिर इसको गट्टी को टाइट करेंगे। गट्टी को टाइट करके फिर ये अभी डिब्बे के अंदर हम लोग को निकाल रहे हैं जैक्वार कंपनी का। तो जो मेरे भाई मेरे चैनल पे नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ के साथ वीडियो को शेयर भी करो दबा के और लाइक भी करो। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हो, तो वीडियो को पूरा वॉच किया करो और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, आगे शेयर टू ग्रुप भी कर दिया करो, अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो, जो कि अगला वीडियो बनाने का मन करे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, काम तो कंटिन्यू चलता रहता है, जैसे जैसे टाइम मिलता है बीच में हम लोग वीडियो बनाते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाते हैं। तो अगर इसका पूरा वीडियो दिखाने बैठ जाओ तो काफ़ी बड़ा बन जाता है, तो बीच में जैसे जैसे काम करके, जैसे जैसे कट करके इस वीडियो को हम लोग बनाते हैं। तो ये देखो, इस तरह से दोस्तों अपर को इंस्टॉल करते हैं। तो आप लोग देखो, अभी हम लोगों ने ये अपर बिठा रहे हैं। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से अपर लग चुका है और कोई भी बिल्कुल पीछे गैप नहीं है, तो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ही अच्छी फिटिंग हुई है इसकी। तो ये शावर वाला बटन है, तो अभी इसका हैंडल भी लगेगा। तो दोस्तों, इस बाथरूम के अंदर डबल वॉशिंग मशीन लगने वाला है और सीट इंस्टॉल हम लोग कर चुके हैं, पहले उसका वीडियो नहीं बनाया था। तो इसमें हेल्थ पोसड और डबल डबल वॉशिंग मशीन लगेगा, वॉशिंग मशीन का मिक्सर भी, और यहाँ पे काउंटर वॉशिंग मशीन दोनों लगेंगे, और दूसरी साइड पे सिंक मिक्सर भी लगेगा, किचन में छोटी सी सिंक भी है। तो ये बाथरूम जो पहले बना हुआ था छोटा, तो इसको तोड़ फोड़ के बड़ा किया गया है, रेनोवेट कर रहे हैं इसको अच्छी तरह से, फिर इसको थोड़ा साइज़ बढ़ा के इस बाथरूम की फिटिंग दोबारा से कर रहे हैं हम लोग। तो
तो ये देखो दोस्तों अपर बिल्कुल बैठ चुका है, अच्छी तरह से फिट हो चुका है, लग चुका है, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। इस तरह से ही अपर डिवाइडर का लगता है। तो फिटिंग देखो इसकी प्रॉपर आई हुई है, अच्छी तरह से कहीं से भी गैप वगैरह नहीं है। तो ये देखो हल्का सा भी गैप नहीं है, पूरी फिटिंग प्रॉपर आई हुई है इसकी। तो ये देखो हल्का सा भी गैप नहीं है इसके अंदर, नहीं तो कई बार क्या आता है ज़्यादातर तो गैप आ जाता है पीछे से। तो इसकी फिटिंग थोड़ी अच्छी हुई है, बहुत ही बढ़िया इसका फिटिंग हुआ है अपर का। तो दोस्तों अभी हम लोग ये देखो यहाँ पे वाशबेसिन बिठाएंगे दोस्तों। तो ये देखो इसकी फिटिंग भी वाशबेसिन की भी हो चुकी है। तो साथ में एक ये देखो नीचे टैप लग रही है, तो इधर एंगल कॉक और जेट, यहाँ पे हेल्थ फोसेट और जेट का पॉइंट दोनों ही लगेंगे। तो दोनों की डिमांड है तो दोनों ही लगाएंगे, नहीं तो एक की भी लगा देते हैं। तो ये देखो यहाँ पे वाशबेसिन बैठेगा, पूरे जैकवर्क के डब्बे ही डब्बे खिल रखे हैं, सारा कंपनी जैकवर्क का कंपनी का ही सामान है। तो जैकवर्क कंपनी काफ़ी चलती है हमारी सिटी के अंदर, तो क्योंकि इसको अभी बेसिक चल रहा है अभी, तो वैसे ज़्यादा सो कूलर और ग्रूहे और हंस ग्रूहे का ही चल रहा है अपर में। तो ये भी क्योंकि सिटी के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी फिटिंग होती है जैकवर्क की हमारे, तो बाकी तो सभी पानी की पे भी डिपेंड करता है, पानी के अंदर कितनी हार्डनेस है, कितना शोर है, तो वो भी बहुत मैटर करता है सीपी फिटिंग के अंदर। तो डबल एलएल की लगा के इसको कस रहे हैं। तो अभी स्पाउट इंस्टॉल करेंगे, तो फिर उसके बाद इसके ऊपर प्रेशर पंप लगाएंगे। प्रेशर पंप का भी वीडियो दिखाएंगे क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर पे है, तो बाथरूम में पानी का प्रेशर थोड़ा कम होगा, इसी वजह से ऊपर हम लोग इसके ऊपर प्रेशर पंप लगाएंगे। ऊपर लगाएंगे तो पूरे घर को भी कर देंगे, तो पानी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा नीचे फिर। तो अभी स्पाउट की फिटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से एलएल की से नीचे से नट को टाइट कर देंगे और स्पाउट की फिटिंग हो जाएगी दोस्तों। तो अभी किचन में भी आप लोगों को लेके चलूँगा, वहाँ पे किचन भी बहुत ही खूबसूरत हुई है, छोटी सी बनी हुई है, छोटी सी किचन है और साथ में बाथरूम है फर्स्ट फ्लोर पर ही। तो यहाँ पर इस पोजिशन जो काउंटर वाले का भी हम लोग ये देखो ग्राइंडर से इसका होल निकाल रहे हैं, क्योंकि पत्थर वाला यहाँ पे नहीं था, पत्थर वाला चला गया। तो वो बोल रहा था कि मेरे पास सामान नहीं है ये वाली बिट, तो हमारे पास बिट थी, हम लोगों ने इसको अभी सुराख को निकाल रहे हैं। तो सुराख निकाल के तो तब तक उधर सुराख निकलेगा, तो इधर शिंक मिक्सर की भी फिटिंग कर लेते हैं दोस्तों। तो ये भी जैकवर कंपनी का ही है मिक्सर। तो ये शिंक मिक्सर है टॉल बॉय, तो अभी इसकी सेटिंग भी करेंगे प्रॉपर। तो इसको अच्छी तरह से बैठाएंगे, बैठा के फिर इसका भी पानी चालू करेंगे। तो यहाँ पे कारपेंटर का सामान पड़ा इधर, तो थोड़ा सुराख मेरे को लगता है थोड़ा सा छोटा है, उसको बड़ा करके फिर इसको बैठा देंगे अच्छी तरह से। अभी नहीं बैठ रहा है, तो मेरे को लगता है इसका सुराख में दिक्कत है थोड़ी सी, सुराख इसको दोबारा निकाल के करेंगे। तो अभी ये प्रॉपर बैठ जाएगा। तो ये देखो दोस्तों इस तरह से पूरा बैठ चुका है, इसका मिक्सर भी लग चुका है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये वाला मिक्सर। तो ये भी जैकवर्क कंपनी का है, फ्लोरेंटाइन मॉडल है इसका, तो बेसिक रेंज वाला मिक्सर है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है दोस्तों। तो अभी इसके नीचे से भी इसकी फिटिंग करेंगे, एंगल कॉक लगे हुए हैं, आर ओ टी का पॉइंट भी छोड़ा हुआ है, नीचे आर ओ भी लगेगा, आर ओ की टैप भी लगेगी साथ में, तो वो भी अभी इंस्टॉल होगी। तो काफ़ी अच्छी तरह से काफ़ी खूबसूरत इसकी फिटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हो, वीडियो को शेयर भी नहीं करते हो, वीडियो को शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो। तो ये देखो इसकी एमआरपी है यहाँ पे, तो ये वाला इसका आर्टिकल नंबर है, 5000 के करीब इसकी एमआरपी है। तो दोस्तों अभी ये देखो यहाँ पे पूरी फिटिंग हो चुकी है इधर दूसरे बाथरूम के अंदर। तो यहाँ पे टिप टॉप स्पाउट लगी हुई है और साथ में हैंड शावर भी है, तो यहाँ पे ऊपर शावर भी लग चुका है। और इधर
ये एक छोटे वाला वाश बेसिन भी लग चुका है, इसका पानी भी चला चुके हैं, पानी थोड़ा कम है, ऊपर प्रेशर पंप लगाएंगे फिर इसका पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये भी। और दूसरी साइड पे यहाँ पे एक छोटी सी टैप दी हुई थी, वो भी लग चुकी है। इधर हेल्थ फॉसेट भी लग चुका है दोस्तों, तो वहाँ पे जेट का भी पॉइंट लग चुका है। काफ़ी खूबसूरत सीट है दोस्तों, तो काफ़ी खूबसूरत सीट आप लोगों को लग रही है, देख लो। तो यहाँ पे दूसरा वॉश बेसिन भी लग चुका है बड़े वाला, तो ये देखो इसकी इसकी भी फिटिंग हो चुकी है, इसमें पानी भी आ चुका है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना कमेंट करके। तो जिस भाई ने पूरा वीडियो देखा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो और जस्टिन रक्सिन लाते रहेंगे हम लोग। जैसे जैसे काम होता है कंप्लीट वैसे वैसे वीडियो दिखाते हैं, ज़्यादातर हमें टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का, पर लेकिन जितना बनाते हैं उतना आप लोगों के लिए ज़रूर आप लोगों को कुछ ना कुछ लेके आते हैं हम लोग। तो अभी ये देखो बेसिक वाली किचन, छोटी सी किचन है, बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी, तो इसका भी छोटा सा वीडियो शूट किया हमने, तो ये भी आप लोगों को दिखाया। थोड़ी सफाई वगैरह हो चुकी है, तो यहाँ पे ये देखो सिंक मिक्सर भी लगा, अभी सिंक मिक्सर को भी चला के दिखाते हैं। तो काफ़ी अच्छा है मिक्सर, तो काफ़ी सुंदर है, खूबसूरत है, छोटा सा। तो किचन अभी साफ़ सफाई हो चुकी है, नीचे से सप्लाई वगैरह भी जुड़ चुकी है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट करके। तो अभी नीचे देखो यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पे बाथरूम इधर है साथ में, और इधर भी किचन है साथ में। तो यहाँ लॉबी के अंदर भी लेके चलते हैं आप लोगों को, एक वॉश बेसिन और यहाँ पे लगा हुआ है जो पुराना लगा हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे भी ये पुरानी पहले की फिटिंग हुई है वॉश बेसिन की, तो इसकी खास छेड़खानी नहीं की गई है। तो ये एक बाहर भी सिंक लगेगा, अभी इसमें भी टैप लगेगी। तो ऊपर वाला पोर्शन है फर्स्ट फ्लोर का, तो ये छोटे छोटे काम किए हुए हैं, तो काफ़ी खूबसूरत काम करवाया हुआ है, वुडन का काम ज़्यादा हुआ है यहाँ पे। तो ये देखो साथ के साथ ही हैं। तो ये वाला बाथरूम अभी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, तो देखो यहाँ से एंट्री है, एंट्री के साथ ही बिल्कुल एक छोटा सा वॉश बेसिन है, सीढ़ियाँ भी है बीच में, तो उधर सीट है और साथ में सीट के एक वॉश बेसिन भी है। तो तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो के लिए।